Hello and welcome to Lovnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, worksheet number 22 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Mathematics and we will learn and understand under the fractions addition of fractions in this worksheet. सो एज़ यू ऑल नो कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी फ्रैक्शंस के बारे में ही कुछ चीज़ों को समझा था जैसे कि हमने कंपैरिजन करना सीखा था कि फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन हैं उन्हें हम उनको हमें कंपेयर करना है कि कौन दोनों में से ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है तो अगर आपको याद हो तो हमने उसमें टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे एक लाइक like फ्रैक्शंस और एक अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस आर दोज विच हैव सेम डिनोमिनेटर अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक like फ्रैक्शंस होते हैं अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं और आपने उसमें ये भी देखा था कि जो लाइक like फ्रैक्शंस होते हैं उनको कंपेयर करना ईजी होता है क्योंकि हम केवल उसमें न्यूमरेटर को ही देखते हैं डिनोमिनेटर को नहीं देखते अरे ये लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आप जानते हैं ना वो क्या होते हैं जैसे यहाँ पर है टू बाय नाइन है तो टू इज़ द न्यूमरेटर एंड नाइन इज द डिनोमिनेटर ठीक है तो इसी तरह से आज की इस वर्कशीट में जब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे तो आप उसमें भी देखिएगा जो लाइक like फ्रैक्शंस की एडिशन होती है वो बहुत ही ईजी होती है तो लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी तो यहाँ पर सबसे पहले तो लाइक like फ्रैक्शन दे रखें टू बाई नाइन प्लस फोर बाय नाइन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है नाइन तो इसको हम पिक्चर के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि नाइन टोटल बॉक्सेज आर नाइन एंड टू आर कलर्ड तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन इज टू बाय नाइन एंड इन द सिमिलर वे देयर आर नाइन बॉक्सेज एंड फोर बॉक्सेज आर कलर्ड देन द फ्रैक्शन इज फोर बाय नाइन तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो जो बॉक्सेज हैं वो तो नाइन ही रहेंगे बाकी ऊपर जो न्यूमरेटर है उतने बॉक्सेस को हम काउंट कर लेंगे तो आंसर इज सिक्स बाय नाइन याद रखिएगा जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है हम केवल न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेते हैं और कुछ नहीं करते जैसे कि इस एग्जांपल में फाइव बाई नाइन प्लस वन बाय नाइन आपको क्या करना है सिंपल डिनोमिनेटर तो यही रहेगा दोनों में कॉमन क्या है नाइन है तो नाइन लिख दिया ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करना है और कुछ नहीं करना फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स तो आंसर इज सिक्स बाय नाइन लेकिन सिक्स बाय नाइन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं यस yes, थ्री की टेबल में आते हैं तो थ्री टू ज़ार सिक्स एंड थ्री थ्री ज़ार नाइन दैन द आंसर इज टू बाय थ्री अगर आप सिक्स बाय नाइन लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है टू बाय थ्री लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक है सो so, आगे चलें एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इन्हें कहते हैं लाइक like फ्रैक्शन मैंने बताया था जब सेम डिनोमिनेटर होता है उसको हम लाइक like फ्रैक्शन कहते हैं टू एड लाइक फ्रैक्शन वी सिंपली एड द न्यूमरेटर्स एंड राइट द सम ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर तो दोनों में से जो कॉमन होता है दोनों कॉमन में नाइन ही होगा दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर केवल न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल वन बाय सेवन प्लस टू बाय सेवन तो सेम डिनोमिनेटर है तो सेवन और ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस किया वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री थ्री बाय सेवन इज द आंसर देन बी इज़ थ्री बाय एट प्लस फोर बाय एट कॉमन एट ऊपर न्यूमरेटर को ऐड किया थ्री प्लस फोर सेवन आंसर इज सेवन बाय एट बहुत ईजी है सिर्फ दो स्टेप्स का ये क्वेश्चन है आप स्टेप्स को लर्न कर लीजिए अच्छी तरीके से देन पार्ट सी इज फाइव बाई इलेवन एंड फोर बाय अलेवन को प्लस करना है तो दोनों में कॉमन इलेवन है इलेवन तो डिनोमिनेटर हो गया ऊपर न्यूमरेटर को सिर्फ सिंपली ऐड करना है फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन आंसर इज नाइन बाय इलेवन द डी पार्ट इज थ्री बाय थर्टीन प्लस फाइव बाय थर्टीन थर्टीन इज द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड किया थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट बाय थर्टीन आंसर दैन द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस तो आप याद कीजिए लास्ट वर्कशीट में हमने अनलाइक फ्रैक्शन समझा था उसमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी उन्होंने पूछा कि सर समझ नहीं आया तो याद रखिएगा अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक like फ्रैक्शंस में चेंज किया जाता है तब हम उनको कंपेयर या उनकी एडिशन्स अपट्रैक्शन कर सकते हैं तो चेंज कैसे करना है वो आप इसमें ज़रूर देखिएगा जैसे वन बाय टू प्लस टू बाई थ्री दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसको सेम बनाने के लिए क्या करना होता है फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सेकंड वाले जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे इसको कर देंगे थ्री से और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ सिंपल इतना करना है और कुछ नहीं करना एक स्टेप फालतू है इसमें तो वन मल्टीप्लाई बाय थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई टू बाय थ्री मल्टीप्लाई बाई टू तो आंसर आया थ्री बाय सिक्स प्लस का साइन ऐसा ही रहेगा और टू टू ज़र फोर टू थ्री टू ज़ार सिक्स फोर बाय सिक्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया अब आप बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही कीजिए सेम डिनोमिनेटर सिक्स और ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करना है थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन बाय सिक्स आप अभी केवल इतना ही समझिए ये आगे करने की जरूरत हमें नहीं है तो देन एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस टू ऐड Unlike फ्रैक्शंस वी फर्स्ट कन्वर्ट them into लाइक like फ्रैक्शंस then simply add द न्यूमरेटर्स एंड द सम ओवर द common डिनोमिनेटर याद रखिएगा तो इस तरह से हम बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं फिर भी अगर आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए बताइए और मैं आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल वन बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव क्या करना है आपको फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो वन बाय ये इस तरह से हमारे पास स्टेप्स आ जाएगा पहले वाले को फाइव से मल्टीप्लाई दूसरे वाले को थ्री से मल्टीप्लाई तो फाइव बाय फिफ्टीन प्लस थ्री बाय फिफ्टीन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया देन आंसर इज फिफ्टीन कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर को ऐड किया फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट बाई फिफ्टीन इज द आंसर देन बी पार्ट इज़ थ्री बाय फोर प्लस फोर बाय थ्री क्या करना है पहले वाले को थ्री से मल्टीप्लाई दूसरे वाले को फोर से मल्टीप्लाई तो इस तरह से आपके पास सेकेंड स्टेप बनेगा थर्ड स्टेप में आपने इसको सिम्प्लीफाई करना है तो यहाँ से हमें मिला नाइन बाय ट्वेल्व और यहाँ से मिला सिक्सटीन बाय ट्वेल्व दोनों का डिनोमिनेटर सेम आंसर में भी ट्वेल्व और ऊपर सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करना है नाइन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओब्लिक ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेल्व इज योर आंसर इसको करने की अभी कोई जरूरत नहीं है नाउ लेट्स डू समदर एक्सरसाइज क्वेश्चन सो टेक आउट योर मैथ नोट बुक सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन यानी सेम डिनिनेटर वो तो बहुत ही ईजी है दो स्टेप का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करना है टू बाय नाइन प्लस फाइव बाय नाइन सेकेंड स्टेप में सिर्फ डिनोमिनेटर नाइन लिखना है ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करना है टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन आंसर इज सेवन बाय नाइन इज योर आंसर फिर थ्री बाय सेवनटीन प्लस फोर्टीन बाय सेवनटीन सिंपल क्वेश्चन को राइट डाउन करोगे पहले सेकेंड स्टेप में सेवनटीन उसका सेम डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर लिख दोगे और ऊपर न्यूमरेटर को केवल ऐड करोगे सिर्फ ऐड करोगे थ्री प्लस फोर्टीन वो भी सेवनटीन आएगा सेवनटीन बाई सेवेंटीन इज इक्वल टू वन याद रखना अगर ऊपर नीचे सेम न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम तो आंसर ऑलवेज वन नाउ द सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ़ द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस अब अनलाइक फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है इसको पहले लाइक like फ्रैक्शंस में चेंज करना है फिर हमें ऐड करना है ए पार्ट इज सिक्स बाय सेवन प्लस वन बाय सिक्स आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाले को यानी कि इसको फर्स्ट वाले के डिनिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ऐसे सिर्फ इतना करना है फिर मल्टीप्लाई का आंसर सिक्स 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 हज़ार थर्टी सिक्स सेवन सिक्स हजार फोर्टी टू सेवन वन हजार सेवन सेवन सिक्स हजार फोर्टी टू दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर आ गया तो आंसर में भी कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे फोर्टी टू और ऊपर सिंपल एड करेंगे न्योमिनेटर्स को थर्टी सिक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर्टी थ्री आंसर इज़ फोर्टी थ्री बाय फोर्टी टू देन फोर बाय फाइव प्लस फाइव फोर आपको क्या करना है इसको इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है फोर फोर ज़ार सिक्सटीन फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी प्लस फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव एंड फोर फाइव ज ट्वेंटी दोनों के सेम डिनोमिनेटर हो गए तो कॉमन ले लिया ट्वेंटी और ऊपर न्यूमरेटर की एडिशन सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव इज टू फोर्टीन बाई ट्वेंटी इज योर आंसर देन इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी बुक में से कीजिए और बहुत कीजिए तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ बढ़ते रहिए एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस ऑफ टू यार्ड्स एंड वियर अ मास्क क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं थैंक यू वेरी मच